नमस्कार साथियों, आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। साथियों, मैं आपको इस वीडियो में जानकारी देने वाला हूँ कि यदि किसी कर्मचारी की सेवारत रहते हुए मृत्यु हो जाती है तो उसके आश्रितों में से किसी एक आश्रित को सेवा योजन का लाभ दिया जाता है। मृतक आश्रित कोटे से नियुक्ति प्रदान की जाती है। तो नियुक्ति की प्रक्रिया में एक महत्वपूर्ण जो प्रोसीजर होता है कि परिवार के शेष अन्य सदस्यों के द्वारा उस सेवायोजन प्राप्त करने वाले व्यक्ति के पक्ष में एनओसी दिया जाना होता है, हलफनामा दिया जाना होता है। वो हलफनामा क्या होता है कि हमें कोई आपत्ति नहीं है, इन्हें आश्रित नियुक्ति दे दी जाए, आश्रित के अनुकंपा के आधार पर सेवायोजन इन्हें प्रदान कर लिया जाए। अब इसके अलावा एक फॉर्म कहें या एक शर्त कहें, उसकी भी जो भरपाई करनी होती है या उस शर्त को स्वीकार करना होता है उस अमुक व्यक्ति को, कि वह परिवार के उन सदस्यों को भरण पोषण के लिए पैसा देगा, उनकी देखभाल करेगा, इसका उसे निर्वहन करना होता है। इसके संबंध में ये शासनादेश है, इसको मैं आपको प्रस्तुत कर रहा हूं, इसको जरा ध्यान दीजिएगा, बहुत महत्वपूर्ण है। जैसा कि आप हेडिंग देख सकते हैं, हेडिंग में है, नियुक्त किया गया मृतक आश्रित जो व्यक्ति है को यह आश्वासन देना होगा कि वह मृत व्यक्ति के परिवार की समुचित देख रेख करेगा। ये आपका जीआई डिपार्टमेंट ऑफ ट्रेजरी, ठीक है, ये 1999 का है। ये रिवाइज संस्करण मैं आपको प्रस्तुत कर रहा हूं, जिसका ये सब्जेक्ट है, ये इंग्लिश वर्जन है, ठीक है, दूसरा पेज है इसका। अब मैं आपको इसका हिंदी वर्जन आपको बताता हूं ताकि आपको और अच्छे से समझ में आए, इसलिए मैं आपको इसका हिंदी वर्जन दिखाता हूं। देखिए, जैसा कि हेडिंग में दिख रहा है, आपको नियुक्त किया गया मृतक आश्रित व्यक्ति को यह आश्वासन देना होगा कि वह मृत व्यक्ति के परिवार की समुचित देखभाल करेगा, ठीक है। विषय अब हिंदी में देखिए, हिंदी में है, अनुकंपा नियुक्ति के प्रस्ताव में यह शर्त होनी चाहिए कि नियुक्त व्यक्ति मृतक आश्रित अधिकारी या कर्मचारी के अन्य आश्रित सदस्यों का उचित भरण पोषण करेगा। आगे है अधोहस्ताक्षरी यानी जिन महोदय के द्वारा यह शासनादेश निर्गत किया गया है को पैरा के अनुसार यह कहने का निर्देश हुआ है कि कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के कार्यालय ज्ञापन संख्या 13, ठीक है, 9/10/1998 उपरोक्त विषय पर आदेश के तहत अनुकंपा आधार पर नियुक्त व्यक्ति को लिखित में यह वचन देना होगा कि वह अपने परिवार के अन्य सदस्यों का उचित भरण पोषण करेगा। जो संबंधित मृतक कर्मचारी सरकारी कर्मचारी या सशस्त्र बलों के सदस्य पर निर्भर थे, यानी बात जो मैंने आपको शुरू में बताया कि जब कोई आश्रित व्यक्ति आश्रित कोटे से नियुक्ति पाना माने जाता है तो उसे ये शर्त माननी होगी, उसे ये स्वीकार करनी होगी ये बात कि वह मृतक कर्मचारी के अन्य सदस्यों या परिवार के अपने परिवार के अन्य सदस्यों का जो उस मृत कर्मचारी के ऊपर आश्रित थे उनकी देखभाल करेगा, उनका भरण पोषण की जिम्मेदारी निभाएगा। और अगर यदि बाद में किसी भी समय यह साबित हो जाता है, परिवार का कोई भी सदस्य यह कहता है कि मृतक सरकारी कर्मचारी या सशस्त्र बल के सदस्य जो निर्भर थे उस पर उनकी अब उपेक्षा की जा रही है या उसके द्वारा उसका ठीक से रख रखाव नहीं किया जा रहा है, उनका पालन पोषण नहीं किया जा रहा है, तो उसकी नियुक्ति तुरंत समाप्त की जा सकती है। यह संबंधित विभाग के द्वारा, विभागाध्यक्ष के द्वारा निर्णय लिया जा सकता है और उसकी सेवा तत्काल समाप्त की जाएगी। इसकी कानूनी प्रवर्तन क्षमता के प्रश्न की कानून मंत्रालय कानूनी मामलों के विभाग के परामर्श की जांच की गई है और यह निर्णय लिया गया है कि इसे केवल नियुक्ति के मामले में लागू होने वाली अतिरिक्त शर्तों में से एक के रूप में शामिल किया जाना चाहिए। ये यानी शामिल है, ये शामिल है, जब आप नियुक्ति पाने जाएंगे तो ये शर्त में आपको साइन करना पड़ेगा, स्वीकृति आपको देनी पड़ेगी। इसमें दूसरा बिंदु है उपरोक्त ओएम दिनांक 9/10/1998 में निहित प्रासंगिक निर्देश ऊपर लिखित सीमा तक संशोधित किए गए हैं।
ये तीसरा है, सभी के लिए एक कॉपी भेजी गई है उसका, ये इसमें उल्लेख किया गया है। तो बताना चाहता हूँ कि आप लोगों में से भाइयों और बहनों का प्रश्न रहता है कि उनका कोई भाई या बहन या परिवार का कोई सदस्य आश्रित नियुक्ति पा जाने के उपरांत परिवार के अन्य सदस्यों की देखभाल नहीं करता है, तो उनका प्रश्न था कि अब क्या उपाय है, क्या रास्ता है जिससे उनके ऊपर दबाव बनाया जा सके और परिवार के अन्य सदस्यों का भरण पोषण हो सके। तो आप संबंधित विभाग से संपर्क कर सकते हैं और विभाग में जा करके अपनी लिखित शिकायत कर सकते हैं, जिससे विभाग पहले चेतावनी देगा और समय रहते यदि वो संबंधित व्यक्ति नहीं सुधरता है, नहीं बदलाव लाता है, तो सेवा समाप्त कर दी जाएगी। ठीक है साथियों, उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपके लिए काफ़ी लाभकारी होगा। इसी उम्मीद के साथ मैं आपके लिए जो वीडियो लाता हूँ। ठीक है साथियों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक ले नमस्कार साथियों।